सोशल मीडिया पर आई न्यूज से आदिवासी मंच पहुंचा बालिका मेवा कसोटा के घर व विद्यालय। जाड़ोल उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मादड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगियापाड़ा स्कूल में बच्ची को पढ़ाई छुड़वा कर परिजनों द्वारा मजदूरी के लिए गुजरात भेजने का मामला सामने आने पर सामाजिक संगठन आदिवासी मंच उदयपुर संज्ञान लेने पहुंचा। आदिवासी मंच के जिला अध्यक्ष प्रकाश बरंडा के नेतृत्व में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगियापाड़ा जाकर संज्ञान लिया गया, जहां बच्ची को गांव वालों की मदद से ताला खुलवाकर घर में कैद बालिका मेवा कसोटा को मुक्त कर अध्यापक दुर्गाराम मुवाल को स्कूल में ले आए, जहां बालिका बच्चों के साथ में पढ़ने का प्रयास करते हुए एवं खुद को प्रसन्न होते हुए देखा गया। हाँ, चालू करो। मैं दुर्गाराम मुवाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगियापाड़ा में टीचर हूँ, रहने वाला नागौर का हूँ। ये जो बच्ची मेवा कसोटा है, इसको माता पिता ने जबरदस्ती मजदूरी भेज दिया था। दो बार तो मैं इसको गुजरात से बाहर श्रम से आजाद करवा चुका हूँ। तीसरी बार ये वापिस भेजने वाला थे तो उससे पहले मैंने जाके इनको रोका और बच्ची को स्कूल भेजने के लिए बोला, लेकिन माता पिता ने स्कूल नहीं भेजा। तो तीन चार दिन से मेरे रेस को करने के बाद ये पता चला है कि बच्ची को घर वाले स्कूल भी भेजना चाहते हैं और जब भी हम जाते हैं बच्ची को छिपा देते हैं। कल बच्ची को हम जब लेने गए तो बच्ची को दूसरे घर गांव वालों से ताला खुलवा कर बच्ची को वहाँ से फ्री कराया। बच्ची रोने लगे, बच्चे का पढ़ना चाहती, बच्ची के पास कपड़े भी नहीं थे। उन्होंने पहले बच्चे को कपड़े धोते हुए दिला के बच्ची को पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया और आज जारी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर बाजीपुड़ा के समीप तीन वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गोगुंदा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही बोरिंग मशीन ने आगे चल रहे तेल से भरे टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे गहरी खाई में गिर गया। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर गोगुंदा पुलिस 108 मौके पर पहुंची और गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आदिवासी विकास मंच के मिलन मेले का हुआ आयोजन। आदिवासी बहुल क्षेत्र में मिलन कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में मेले का हुआ आयोजन। आदिवासी बहुल क्षेत्र मिलन कार्यक्रम में कोटड़ा क्षेत्र के ग्रामीण जन मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न प्रकार के रोजगार, विद्यार्थियों के हित में और अन्य प्रकार की योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही मूलभूत सुविधाओं के विकास पर चर्चा की गई। चेकअप करवाना है, टीकाकरण करवाना है तो राष्ट्रभूत में कैनोपी लगी हुई है, वहां पर करवा सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं, टीकाकरण करवा सकते हैं, जो भी आपको करवाना है स्वास्थ्य की सेवा है, कैनोपी लगी हुई है वहां पर, इस तरह की सुविधा आपको मिलेगी। तुला गांव में सिलेंडर फटने से दंपति सहित दो मासूम झुलसे। गोगुंदा थाना क्षेत्र के कटार ग्राम पंचायत के तुला गांव में गैस सिलेंडर फटने से दो मासूम सहित दंपति झुलस गए। जानकारी के अनुसार सीताबाई पत्नी रामसी राजपूत अपने घर पर खाना बना रही थी और रामसी व उसके दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे, तभी अचानक गैस सिलेंडर फट गया, जिससे पूरे मकान में आग की चपेट में आ गया। रामसी ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों मासूमों व अपनी पत्नी को बाहर निकाला व पूरी तरह आग में झुलस गया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हादसे के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में पाया गया। मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा में 2023 का बजट पेश किया, जो बहुत ही ऐतिहासिक बजट है और लाभप्रद जनता के हितों का बजट है। इसमें
मुख्यमंत्री जी ने किसान मजदूर युवा महिलाओं कर्मचारियों विद्यार्थियों आम जन सहित सभी वर्गों के हितों में जल कल्याणकारी बजट पेश किया है और इस बजट से प्रदेश की उन्नति होगी, विकास होगा। और मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बजट के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से हर वर्ष बजट पेश करते हैं और आम जन के लिए ध्यान रखते हैं, इसी के लिए आज आपने विशेष तौर से किसानों के लिए अलग से बजट पेश कर आपने एक मिसाल कायम की है, वो जीवन भर इतिहास में याद की जाएगी। धन्यवाद। ओगणा में जनहित के सहयोग से बस स्टैंड के समीप लाइट का किया गया उद्घाटन। ओगणा नया बस स्टैंड पर वन नाके के समीप जनहित के सहयोग से लाइट का उद्घाटन किया गया और ग्रामीणों को मिल पाएगी रोशनी। लगातार ग्रामीणों को अंधेरे में होकर गुजरना पड़ रहा था, ऐसे में नेपाली द्वारा आज लाइट का उद्घाटन किया गया जिसमें जनहित सहयोग द्वारा लाइट लाई गई और उप सरपंच नवीन पापना के सानिध्य में उद्घाटन किया गया। इस दौरान देवेंद्र कोठारी, कृष्ण राज गोई, जब्बार खान, सोपिन खान, लक्ष्मीलाल सिंह, मदनलाल शर्मा, गोपी राम भंडारी, भोपाली ओगणा मौजूद रहे।